हेलो दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी खुशी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो 3000 घंटे कवास टाइम का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है। हालांकि वो कंप्लीट आज 10 दिन पहले से हुआ है और हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन एक खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है। गम किस बात का है? क्योंकि हमने पहले एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया था बहुत ही पहले, और उस एडसेंस अकाउंट को मैंने किसी कारणवश डिलीट भी किया और वहां से कन्फर्मेशन कोड पर हमने क्लिक भी किया, लेकिन यह कन्फर्म नहीं हो पाया कि हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने उस जीमेल अकाउंट को ही डिलीट कर दिया गूगल से, जिस पे हमारा वो एडसेंस अकाउंट था। तो हमारे एडसेंस अकाउंट के पास अब पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो एडसेंस अकाउंट है डिलीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया तो मेरे पास मैसेज देखने को मिला, ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया कि यानी कि आपके पास एक ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है। वहाँ पर वह प्रॉब्लम देखने को मिली, इसलिए हमें डाउट लगता है कभी कभी कि शायद हो सकता है मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करें और वहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाए, 2 स्टेप में एडसेंस वाला जो स्टेप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अपने एडसेंस में हमने एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर सब चेंज कर दिया है, उसमें वहाँ पर हमारा एडसेंस अकाउंट बन भी गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे, जब ही पता चलेगा कि क्या हमारा मोनेटाइजेशन के लिए जो एडसेंस अकाउंट है वो वहाँ पर अप्रूवल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस बात का एक दुख है थोड़ा सा। अब आगे ही आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो मान्य होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए, हम आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं कि आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि YouTube का जो नया वाला क्राइटेरिया है, 3000 घंटे का वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर वाला, उसी क्राइटेरिया के थ्रू हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि मोनेटाइजेशन में भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को वॉच करना है, थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको वीडियो समझ में ना आए, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशीनाथ यादव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशीनाथ यादव ऑफिशियल। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपना मोनेटाइजेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने मोबाइल में YT स्टूडियो को ओपन करेंगे। जैसे कि आपको मोबाइल का स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बगल में हमारे हमने अपने चैनल को यहाँ पर ओपन कर लिया है YT स्टूडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1164 सब्सक्राइबर है, और यहाँ पर जैसे कि अर्न के सेक्शन पे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिकम ए यूट्यूब पार्टनर, यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन है, स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा जो है क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो 4000 घंटे वॉच टाइम वाली जो क्राइटेरिया की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर शो हो रही है, वो भी बहुत ही जल्द हो सकता है कि हम कम्प्लीट कर जाएँ। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा। तो चलिए, यहाँ से हम नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ऐसा इंटरफेस जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप्स टू अप्लाई, यहाँ पर पहले नंबर पर हमें रिव्यू बेस्ड टर्म्स का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। आपको बता दें कि YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने से पहले हमने 10 दिनों से इस पे काम किया है, सब चीज़ मैंने यहाँ पर बारीकी से इसमें जांच किया है ताकि कुछ अपने तरफ से गलती न रह जाए जिसके कारण हमारा चैनल जो है रिजेक्ट हो जाए। इसलिए हमने इसको 10 दिनों से पहले यहाँ पर सब कुछ एक एक करके हमने जाँच किया, उसके बाद से यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ से टर्म्स ऑफ कंडीशंस है जो भी हमें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ऊपर हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पर आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद से बॉक्स को चेक करके और यहाँ से हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सर्च हो रहा है, उसके बाद से आप देख सकते हैं पहला स्टेप जो है यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब हम जो है आ चुके हैं यहाँ पर स्टेप टू पे, यहाँ पर साइन अप फॉर गूगल एडसेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है नीचे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन जो है नो आई नीड टू क्रिएट वन, और तीसरा जो ऑप्शन है
आई डोंट नो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एडसेंस अकाउंट है, तो हम यहाँ पर यस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है, उसके बाद से हमारा जो है यहाँ पर गूगल में रीडायरेक्ट हो जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पर हमारा जो है जीमेल सभी ओपन होगा, यहाँ पर शो होगा। और किस जीमेल में हमारा जो एडसेंस अकाउंट है, यहाँ पर आपको उस जीमेल को सेलेक्ट करना है। जीमेल पे हमने क्लिक कर दिया है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्ट एडसेंस अकाउंट में यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल का जो लिंक है यहाँ पर आ चुका है, हमारा नाम जो है ऊपर यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एसोसिएशन पे क्लिक कर देना है। एसोसिएशन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमारा एडसेंस अकाउंट का जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको बता दें कि हमारा जो एडसेंस अकाउंट है अभी डीएक्टिवेट है, यानी कि 6 महीने से इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट भी कैसे करना है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपने एडसेंस अकाउंट अपना पहले क्रिएट कर लिया है और आपका एडसेंस अकाउंट जो है 6 महीने में कोई एक्टिविटी न होने के कारण डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसको कैसे आप एक्टिवेट करेंगे ये भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमारे सामने जो है नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से जैसे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, जो हमारा एडसेंस अकाउंट डीएक्टिवेट है वहाँ से वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से हम सेंड पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को हमको इसमें टाइप करना है, फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई यहाँ से हो जाएगा। जैसे हम सेंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ पर सेंड हो चुका है। और यहाँ हम अपना वेरिफिकेशन कोड जो है टाइप कर देते हैं। वेरिफिकेशन कोड जो है टाइप करने के बाद से यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से है रीडायरेक्ट हो रहा है आपके यूट्यूब चैनल में। यहाँ से ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट हो जाएगा फिर से आपके चैनल में। आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। यदि नहीं हो पाता है बाय द वे, ऐसे रह जाता है, तो आपको रीडायरेक्ट पर क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट हो चुका है। हमारा जो YT स्टूडियो में है यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप फॉर गूगल एडसेंस इन प्रोग्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एडसेंस अकाउंट इज बेइंग क्रिएट आर एसोसिएटेड द अप्रूव एंड एसोसिएशन प्रोसेस यूजली टेक सेवरल डेज, बट इन सम केस इट कैन टेक 2-3 वीक। यानी कि यदि कोई कारण हो सकता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो इसमें 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है इसको जांच पड़ताल करने में, इसका रिव्यू होने में। तो ये हमारा स्टेप 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं आगे आपको कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है 2-4-6 घंटे में या फिर 12 घंटों के अंदर में आपका एडसेंस अकाउंट यहां से अप्रूव हो जाए। यदि बाय द वे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी अप्रूव नहीं होगा, यदि अप्रूव हो जाता है बाय द वे यहां से, तो आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है यहां पर हम दिखाएंगे। हमें तो थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, आपको पहले ही बता दिया हमने कि क्या चीज़ है, क्या डाउट हो सकता है, इसी कारण पर थोड़ा सा डाउट है, बट ऊपर वाले पर भरोसा है। यहाँ पर देखते हैं क्या फैसला आता है यूट्यूब की तरफ से। अभी हमारा जो है इन प्रोग्रेस में चल रहा है, तो यहाँ पर हमको वेट ही करना है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारा एडसेंस अकाउंट भी यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक्ड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल से। अब हमारा जो चैनल है यहाँ पर रिव्यू में इन प्रोग्रेस पे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले की दुआ से और आप सब लोगों के प्यार के आशीर्वाद से रिव्यू भी सक्सेसफुली हो जाए। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं कुछ घंटे के बाद, जब हमारा चैनल जो रिव्यू हो जाता है फिर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 12 से 14 घंटे तक का इंतजार करने के बाद हमारा जो YouTube चैनल है फाइनली मोनिटाइजेशन जो है ऑन हो चुका है यहाँ पर। आपको बता दें कि 3 से 4 घंटे हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो इन प्रोग्रेस में रहा। उसके बाद से 8 से 10 घंटे तक करीब हमारा जो चैनल है रिव्यू में रहा। उसके बाद से सक्सेसफुली जो है यहाँ पर रिव्यू हो चुका है और हमारा जो चैनल है यहाँ पर पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। इसके लिए चलिए हम यहाँ पर जैसे आपको कुछ वीडियो दिखा देते हैं प्रूफ के लिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो को हम ओपन करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एडसेंस अकाउंट है यहाँ पर इन प्रोग्रेस में शो हो रहा है। उसके बाद से यहाँ से हम बैक कर देते हैं, और बैक करने के बाद से जब यहाँ पर रिव्यू में हमने भेजा है 4 घंटे बाद करीब, यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर रिव्यू में इन प्रोग्रेस में चल रहा है। यहाँ पर हमारा जो एडसेंस अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है लिंक हो चुका है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे। यहाँ पर लिंक होने के बाद से यहाँ से 8 से 10 घंटे बाद जब हमारा रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, तब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर करीब 6-7 बजे रात को यहाँ पर हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो डन हो गया वहाँ पर। उसके बाद से जो है हमारा चैनल रिव्यू में चला गया। उसके बाद से रात भर हमने चेक किया, रात भर चेक करने के बाद से यहाँ पर हमारा जो चैनल है रिव्यू में ही रहा। उसके बाद से यहाँ पर सुबह में हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि सुबह में हमने इसको ओपन किया और यहाँ पर सुबह में हम ओपन किए तो यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू का ऑप्शन देखने को मिला हमारे चैनल पर। उसके बाद से हमने फिर से ऑन पे क्लिक किया, ऑन पे क्लिक करने के बाद से यू आर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम देखने के लिए मिला। उसके बाद हमारा दिल जो है यहाँ पर खुश हो गया कि हमारा जो चैनल है सक्सेसफुली मोनिटाइज हो गया है। यहाँ पर ऐड तो नहीं चलेगा लेकिन जो है फिर से रिव्यू होने का जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया, यानी कि हमारा जो 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा चैनल ऑलरेडी यहाँ पर मोनिटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रॉल करते हैं हम, यहाँ पर जो 4000 घंटे के क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना अभी बाकी है। यहाँ पर 3440 घंटे हमारा हो चुका है और यहाँ पर करीब 500 कुछ घंटे यहाँ पर होना है, यानी कि 560 घंटे जब हो जाएगा तो हमारा जो है चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाएगा, फुल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली मोनेटाइजेशन जो है ऑन हो चुका है। यानी हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसके बाद से हम अपने चैनल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चैनल को जो है ओपन करने के बाद से आपको दिखाते हैं, चैनल ओपन होने के बाद से इसको हम YT स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। तो हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से YT स्टूडियो में हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मोनेटाइजेशन होने के बाद से यहाँ पर मिल रहा है, चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर सुबह में हम अपने मोबाइल को जैसे ही YT स्टूडियो में ओपन किया, यानी कि क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद से जैसे हमने YT स्टूडियो यहाँ पर रीडायरेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यहाँ पर ऑप्शन आ चुका था और यहाँ पर हमने लेट्स गो पे क्लिक कर दिया।